नमस्कार, आधार परिचय समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आधार परिचय समाचार। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ईओ डुमरियागंज ने महज 5 वर्ष में किया अपने और अपने परिवार का कायाकल्प। महाराजगंज सदर तहसील क्षेत्र खुटहा निवासी शिव कुमार पासवान, जो वर्तमान में सिद्धार्थ नगर जनपद के नगर पंचायत डुमरियागंज में ईओ पद पर तैनात है, इन्होंने अपने 5 साल की नौकरी के दौरान खड़ा किया अपने सपनों का महल। मिली जानकारी के अनुसार ईओ साहब के नौकरी पाने से पहले इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती थी, लेकिन महज 5 वर्षों की नौकरी में ईओ साहब ने खड़ा किया अपने सपनों का महल। यह मकान पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस मकान की लागत अनुमानित लगाया जाए तो शायद 2 या 3 करोड़ रुपए आएंगे। आपको बता दें कि इनके पैतृक इतिहास को देखा जाए तो महज 4 से 5 बीघा जमीन ही थी इनके पास, लेकिन 5 साल की नौकरी के दौरान इतना कुछ हासिल कर लेना एक सवालिया निशान पैदा करता है। हमारे संवाददाताओं ने बने हुए मकान के जमीन के बारे में जब ईओ साहब से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यह जमीन हमारी मामी ने हमें दी है, लेकिन हकीकत सामने आया कि इन्होंने पहले अपने मामी के नाम से इस जमीन की बैनामा कराई और फिर अपने और अन्य 2 भाइयों के नाम से वसीयत कराया। सबसे दिलचस्प की बात यह है कि यह एक सरकारी अफसर होने के बाद भी इन्होंने दहेज लेने जैसा कार्य किया है। आपको बता दें कि इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक स्कॉर्पियो और दूसरी बलेनो। इनका कहना है कि स्कॉर्पियो गाड़ी मुझे दहेज मिली है जिससे मैं चलता हूँ, और बलेनो गाड़ी हमारे छोटे भाई विवेक की शादी में उन्हें दहेज मिली है जिसे वह चलते हैं। लेकिन हकीकत आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जबकि बलेनो गाड़ी गांव के ही जैरुद्दीन की बहू रुखसाना के नाम से खरीदी गई है, जिसकी MI लगभग 21,000 महीने आते हैं। शिक्षा मित्र रुखसाना के पति से जब जानकारी मांगी गई तो वह सही जवाब नहीं दे पाए। जब हमारे संवाददाताओं ने गाड़ी खरीदने के मूल्य एवं अन्य पहलुओं पर जानकारी मांगी तो उनके होश उड़ गए। इतना ही नहीं, ईओ साहब ने तो अपनी हद ही पार कर दी। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले पंचायती चुनाव हुआ, जिसमें इनकी हनक और रुतबे को देखकर गांव की भोली भाली जनता ने इनके पिता को ग्राम प्रधान चुन लिया, और प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी इन्होंने हूटर लगी हुई गाड़ी लेकर घूम घूम कर प्रधानी प्रचार भी किए और मतदान के दिन पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद रहे। गांव की जनता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए तो ईओ साहब की असलियत और इनके कारनामों का पोल खुल सकता है। अभी पैसे नहीं पता कितना डाउन पेमेंट किया है। आप गाड़ी खरीदे, आपकी गाड़ी ओनर है, मालिक है, आपको इतने ही नहीं पता है कि किस शोरूम से गाड़ी खरीदे थे? गोरखपुर कहाँ से? और कितना डाउन पेमेंट किए थे स्टार्टिंग में? 1,25,000। अब किस्त पे है गाड़ी? कितने साल की किस्त है? 35-36 साल का किस्त कहाँ हो? कंफर्म है गाड़ी आपके ही नाम से? कितना इंस्टॉलमेंट आता है? इंस्टॉलमेंट कितना आता है? 21,000। आपकी आमदनी कितनी है मंथली? मतलब 21,000 आप किस्त भर रहे हैं तो उसके हिसाब से आमदनी होगी ना? आमदनी 50,000 होना चाहिए। 50,000 के लग समथिंग होगा? 50,000 है आपकी इनकम। 50,000 की शिक्षा मित्र की पेमेंट 10,000 इस समय है। अरे 3 साल टीचर पद पर रहे हैं, पैसा था उनके पास। और सुनने में आ रहा है कि वो गाड़ी दहेज की है, इसको क्या आप कहेंगे? एकदम कंफर्म है आपकी, मतलब वो गाड़ी दहेज की नहीं है, आपकी स्वयं की है? ये वाइफ के नाम से हमारे, आपके वाइफ के नाम से है। बल्कि वो गाड़ी सुनने में आ रहा है जहाँ तक मुझे, कि वो गाड़ी दहेज की है, आपके नाम से रजिस्टर्ड हुआ है और आपके चलने के लिए उनको दिया गया है। क्या सच्चाई है? आप इसको मांगते हैं तो हम दे देते हैं भाई की भाई। कभी कभी मांगते हैं कि हमेशा के लिए गाड़ी उन्हीं के नाम से दिया गया है? अच्छा, हमेशा के लिए नहीं दिया गया कि ये गाड़ी सेकंड हैंड ली है तो अपन। जो बलेनो है वो मतलब उनकी है, और वो तो गाड़ी दहेज की है, तो कैसे इनके नाम से रजिस्टर है? दहेज की नहीं है। वो पिछले साल तो रही है तू लोग तो क्लियर मतलब पैसा इनके नाम से है। हाँ, क्लियर 100% शायद नहीं 100% है कि इन्हीं नाम पे, इन्हीं नाम पे है, फाइनेंस भी है। गाड़ी का जब हम लोग टेस्ट किए हैं तो इनका बता रहा है, शिक्षा मित्र ने भी तो इनका और फाइनेंस भी है गाड़ी, और फाइनेंस पे है गाड़ी। और हमसे बोला गया, हम लोग मतलब तहकीकात में गए थे तो
पता की तो ये बोला गया कि मतलब दहेज की गाड़ी, तो दहेज की 17 जनवरी 2020 को मतलब ये इशू हुआ है। बाकी ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि इनके नाम से ईओ हैं, उनका शादी पहले हुआ था और दूसरे वाले भाई का अब हुआ है इस साल। कितना दिन हुआ होगा लगभग? पिछले साल हुआ है, पिछले साल नहीं इस साल हुआ है इनका, छोटे वाले का। अच्छा, इस बार ये प्रधान हुए हैं का? पहली बार ईओ महोदय का ज्वाइनिंग 2016 में हुआ है जी। 2016 से तमाम गांव वालों के सर्वे करा लीजिए, गांव वाले से पूछ लीजिए, उनकी माली स्थिति बहुत ख़राब थी जी। लोकतंत्र रक्षक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे उनको 20,000 रुपये पेंशन मिलता था ईओ के पिता त्रिलोकीनाथ को, उसी से वो अपने घर का खर्च चलाते थे। सही, उनकी माली स्थिति इतनी खराब थी साहब कि 3-4 लोग को पढ़ाना लिखाना 20,000 रुपये में इस महंगे दौर में मुनासिब नहीं था। 2016 से जब वह ज्वाइन हुआ है शिव कुमार ईओ के पद पर जनपद सिद्धार्थ नगर, नगर पंचायत डुमरियागंज में, उसके बाद वह अपने पद एवं कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करोड़ों की संपत्ति बनाया, इसलिए कि आज के दौर में मकान उनका 1.5 एकड़ में बना हुआ है। 1 एकड़ में तो सिर्फ रजिस्ट्री है, उसके बाद उनका भी कुछ शेयर था उस जमीन के बगल में। वो पूरी अपनी चौहद्दी को बाउंड्री करा के 1.5 एकड़ में उन्होंने अपना मकान बनाया है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है उनकी। टू स्टोरी बन चुकी है, एक सिंगल स्टोरी ट्रिपल भी चल रहा है, निर्माणाधीन मकान है अभी भी। अगर उसकी लागत की बात की जाए तो एट ए टाइम उसकी कीमत, सिर्फ मकान की कीमत करीब 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए की होगी, सिर्फ मकान की कीमत। अधिकारी से किए थे जी? हाँ। आपके पास इसकी कोई साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य हमारे पास है जी। जी, और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन देना चाहता हूँ कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जो भी विधिक कार्रवाई है उसको तत्काल अमल में लाया है। मक्खू प्रसाद हमारा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा खुदहा के रहने वाले हैं, सदर ब्लॉक से जी। जी, डुमरियागंज में ईओ के पद पर नगर पालिका में काम करते हैं जी। वह उनके बाप हमारे सीनियर मित्र रहे हैं जी। जी, जिनकी हैसियत समझिए, खेती बाड़ी 2.25 बीघे उनका हिस्सा उनके पिताजी का है। ये करीब 1 एकड़ बैनामा करा करके अपने मामी के नाम से, यानी नंबर 2 का अपना रिश्वत का पैसा छिपाने के लिए मामी के नाम से उन्होंने 1 एकड़ के करीब जमीन बैनामा कराया, और उसमें उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 15,000-20,000 टाली माटी लगी होगी, बांस भर नीचे था वो जमीन रोड से, और उसमें जो है मट्टी डलवा के 1 बाई 3 तल्ला मकान उसने बनवाया, जिसकी लागत हम जानते हैं 3 करोड़ से कम नहीं हो। मिनट हो के ऐसा जो देश के विरोध काम करता हो, रिश्वत लेकर के गरीबों का खून चूसता हो, हम तो चाहते हो टर्मिनेट होकर वो घर चला आवे।